तो आओ फिर आज अपन बाल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल पेंसिल लो अपनी, ठीक है। मैकेनिकल पेंसिल ऐसे शार्प ही रखना हमेशा। अब देखो मेन जो डायरेक्शन है बाल, ऐसा नहीं है कि अपन क्या कहते हैं सारे नीचे आने लगते हैं, यहाँ से जो आ रहे हैं ऐसे आए, और ऐसा नहीं कि एकदम यू शेप में नीचे आए, ये हल्के से नीचे आए, ठीक है, थोड़े से कान के ऊपर आए ऐसे कर्व होते हुए, ये यहाँ नीचे। तो बालों की डायरेक्शन ये है, फिर यहाँ से जो बाल आ रहे हैं रेफरेंस में देखो ना, ये यहाँ से बाल आ रहे हैं वो ऐसे नीचे आ रहे हैं, और इस डायरेक्शन तो ऐसा नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ से हल्का सा कर्व है फिर यहाँ की तरफ कर्व है, यहाँ से कर्व है नीचे की तरफ है, बाल जो आ रहे हैं वो यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ना मैं पहले डिविजन्स पर आ रहा हूँ कि कान कौन से डायरेक्शन में बाल है, फिर हल्के हल्के बाल किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आए इधर, यहाँ से आए नीचे की तरफ, फिर यहाँ से हल्के हल्के पीछे जा रहे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी डायरेक्शन, इस तरीके से डिवाइड कर लिया अपनी डायरेक्शन। अब देखो क्या बनाना कैसे, तो मेनली स्टार्ट करते हैं अपन इधर वाले से। चलो अभी ये जो आ रहे हैं ना ऐसे कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाले जो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, वो अभी बना सकते हो बाद में भी बना सकते हो। तो एक काम करते हैं, फ्लो में आ रहा है तो कैसे आएंगे, लाइटली बनाओ। ये आया, ये ऐसे आके ये नीचे की तरफ हो रहा है, तो मैं ऐसे नहीं बना रहा कि यहाँ से आ रहा है डार्क सा, मैं हल्का हल्का कर्व ला रहा हूँ, ठीक है। एच बी से भी बनेंगे थोड़े थोड़े, फोर बी से भी बनेंगे। तो यहाँ से एक कर्व ये आया, अब एक कर्व यहाँ से कैसे जा रहा है, ये जो अपन ने शेडो बनाई, तो यहाँ से एक कर्व आया एक मैकेनिकल पेंसिल, आराम से चलाना। और एक बात ध्यान रखना, इस पे मत घिसने लगना हाथ, अपना इस हाथ इससे दूर रखना। ये आया इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ, ठीक है, थोड़ा ये डायरेक्शन पीछे की तरफ आया, और डार्क नहीं बनाना अभी, जितना मैकेनिकल पेंसिल से बन रहा है हल्का सा उतना ही बनाना। तो अपन को क्या करना है, यहाँ ऊपर से लाने हैं इसे धीरे धीरे, ये ऊपर की तरफ घने रहेंगे, नीचे आते आते स्केयर्स हो जाएंगे, याद रखना। पहले ये बना लो ऐसे जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, मैंने क्या बोला, एक बार में पूरे ये सब भरने की जरूरत नहीं है, बीच में थोड़ा गैप आ रहा है, कोई परेशानी नहीं, कर्व होने चाहिए बस, ठीक है। ये जा रहा है, ये पीछे की तरफ कर्व है, क्योंकि अभी अपन के पास और दो लेयर्स से, तो इस तरीके से ये देख सकते हो, पेंसिल पीछे पकड़ाऊ मैं, ये आगे की तरफ निकल गया, ये ऐसे आया, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं बाल, तो लाइटली आ रहे हैं, जो बाल पीछे की तरफ हल्के हल्के बिखरे हुए से दिख रहे हैं ना, ये वो बना रहा हूँ। ये आगे से आए, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, ओके, आराम आराम से। देखो पूरा भरना नहीं है, पहले देख लो ध्यान से, मैंने पूरा भरा नहीं है कि पूरा हिस्सा भर दूं, अभी लाइट वाले बाल इतने ही लग रहे हैं मुझे, इतने काफी हैं, इससे ज्यादा मैं अगर ओवर कर दूंगा तो फिर भरे भरे लगेंगे। एक ही आ गया, फिर यहाँ से एक ही आ गया, ये शेडो वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बाल जो हल्के हल्के चेहरे पे आ रहे हैं, ठीक है, ये अब ऊपर वाले देखते हैं। ऊपर वालों पे ध्यान रखना, अपन नीचे से नहीं करना, हाथ को ऐसे रखना, क्योंकि अपना हाथ, अपन राइट हैंडी है, लेफ्ट वालों को क्या रहता, लेफ्ट ही जो है इस तरीके से कर लेता आराम से, लेकिन जो राइट में अपन ऐसे उल्टा रखो, ऊपर से कर्व लाएंगे, ऊपर से कर्व, ये नहीं बोल रहा यहाँ से लेके यहाँ तक एक ले जाओ, यहाँ धीरे धीरे ऐसे कर्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं एक और तरीका बताऊंगा, और आसान रहेगा अगली लेयर में अपन को करना, ये इसी में बताता हूँ मैं। ये आया, इतना हिस्सा हुआ, अब ऊपर की तरफ ऐसे कर्व करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखो अपने पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो अपन इस तरीके से कर्व कर दें, या फिर अपन अपनी नोटबुक स्केच ही घुमा दें, अपन या अपन ने अपना पूरा स्केच ही घुमा दिया। अब अपने डायरेक्शन क्या जा रही है, ये तो ये वाली डायरेक्शन ध्यान रखते हैं, ये मेनली इस डायरेक्शन, यहाँ से कर्व करना स्टार्ट करो, यहाँ से देखना, यहाँ यहाँ पे थोड़े थोड़े हाईलाइट है, तो हल्का हल्का बीच में थोड़ा थोड़ा गैप चलता है, यहाँ से ऊपर से स्ट्रोक ले जाओ, जितने नीचे जा रहे हैं उतने ले जाओ, अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो उतने ले जाओ, पूरे एक बार में नीचे जा पा रहे हैं तो भी चलेगा। ये आए, ये थोड़े नीचे बचे हैं, नीचे से ऊपर लाओ। मैं नीचे एकदम क्यों नहीं ले जा रहा था, क्योंकि अगर गलती से हाथों पे जाने लगते बाल, अभी उतने नहीं ले जाने, धीरे धीरे कर्व किया, ठीक है।
ये हो गया, अब वापस घुमा लो, देखो एकदम स्मूथ कर्व्स हो गया। ये वाला पोर्शन तो आसान ही है अपन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना, ये आराम आराम से हल्के हल्के कर्व्स। ईयर्स पे नहीं आना चाहिए, गलती क्या होती है अपनी, अपन ईयर्स पे आ जाता है, ठीक है। ये हल्का अपना नेक वाला पोर्शन था, ये अपने से आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो पहले नीचे से ऊपर ले जाओ, ये फिंगर्स पे नहीं आने चाहिए, तो हल्के हल्के बाल ऐसे नीचे से ऊपर ले जाओ, ठीक है। ये हुआ, अब यहां से कर्व लाओ ऐसे, देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, गलती तुम लोग करोगे, ठीक है, ये गलती नहीं दिखनी चाहिए मुझे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई है, ऐसे कर्व है, ये देखो ये कर्व, ऐसे नीचे आते आते कर्व लाने, मैकेनिकल पेंसिल से अपनी फर्स्ट लेयर हो जाती है। ये वाला पार्ट बचता है, एक बार ध्यान रखना अपने हाथ के नीचे कुछ ऐसे नैपकिन या फिर कोई क्या कहते हैं पेपर रख, ये जो कर्व्स है ऐसे हल्के हल्के धीरे धीरे बना लो, एक आध तो कुछ आ रहा है ऐसे शर्ट पे चलता है, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरे शर्ट पे भर दो या नेक से निकाल दो, ये आ रहे थोड़े बहुत शर्ट पे आ गए। यहाँ से अपन ने कर्व करना स्टार्ट किया, इसे घने करना है, ये हल्के से शर्ट पे आ गए, फिर यहाँ से ये आए, ये थोड़े बहुत ऐसे कर्व करते करते थोड़ा ऐसे ही शर्ट पे आ गए, फिर ये पीछे की तरफ जा रहे बाल ऐसे कर्व करते करते, ठीक है, ऊपर से नीचे कर्व और फिर ये नीचे से ऊपर कर्व, ठीक है। थोड़े थोड़े बाल यहाँ पे ऐसे शर्ट पे आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये अपने नीचे वाले बाल टाइप और ये ऊपर वाले दोनों हो जाते हैं, पहले इतना कर लो फर्स्ट ईयर। यहाँ पे जो बीच बीच में हिस्सा बचता है, यहाँ पे ऐसे हल्के हल्के से स्ट्रोक लगा लो, जैसे यहाँ पे बच रहा, तो हल्का हल्का लेयर बाय लेयर करते जाएंगे, क्योंकि ये भी बालों का हिस्सा है, हालांकि एकदम डार्क दिख रहा है, लेकिन हल्का हल्का ऐसे भी कर लो, ठीक है, उसमें कुछ जाता नहीं है, अच्छा ही लगता है, तो इतना कर लो। अब अपन को इसे ब्लेंड करना है, तो अपन ब्रश से करेंगे, तो मेनली क्या है स्मूथ हो जाना चाहिए अपना, तो ब्रश अपन उसी डायरेक्शन में चलाएंगे जिस डायरेक्शन में अपने बाल हैं, वैसे घिस के नहीं चलाना कि स्ट्रोक्स गायब हो जाए, स्ट्रोक्स दिखने चाहिए मेन अपना, तभी यह बात कि अपन ने एक एक स्ट्रोक लगाया, वरना तो अपन वो पूरा एरिया फिल भी कर सकते थे। ये वाला पूरा लाने की जरूरत नहीं है ब्रश, ये मेनली यहाँ तक जो आता है ना यहाँ पे आना चाहिए, इसके ऊपर हल्का सा एक चला सकते हो थोड़ा सा, यहाँ चलाओ बाकी का ब्रश, ये तुम्हारा डार्क होना चाहिए, ठीक है। अब आती है अपने पास 4B पेंसिल, ठीक है, तो वही चीज करनी है जो अपन ने अभी करा। पहले क्या किया अपन ने, डिवीजन बना लिए कि यहां से ऐसी आ रही डायरेक्शन, फिर ईयर की आउटलाइन मारते हुए यहाँ गया, यहाँ ऊपर से कर्व आया, ठीक है, ऐसे ओके, यहाँ पे ऐसे कर्व। अब ये देखना, ये बात ध्यान रखना कि अब तुमने जितने HP से बनाए थे मैकेनिकल उतने नहीं आएंगे, मान लो यहाँ तुमने 10 लगाए थे तो यहाँ 2-3 ही आएंगे 4B से, अकॉर्डिंगली आते हैं, मतलब ऐसे कोई एक्यूरेट नंबर नहीं है। ये आया यहाँ पे हल्का सा, फिर यहाँ पे आया, ये बस इतने ही रहेंगे बाल, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। ये मेनली यहाँ पे है, जो जहाँ तक डार्क है, जैसे यहाँ तक है ईयर के इस वाले पार्ट में, जैसे ईयर के यहाँ तक है ना, बस यहीं तक डार्क रहेगा, तो इस तरीके से नीचे की तरफ कर्व स्ट्रोक्स लाओ, ऐसे कर्व रहते ना ये, कर्व में स्ट्रोक्स लाए, ये ईयर में पीछे की तरफ गए अपने, ठीक है, यहाँ से भी थोड़े फैल रहे हैं, एक बार ध्यान रखना, अपने पूरे HP से बनाने की जरूरत नहीं, हो सकता कुछ डायरेक्ट 4B से, तो यहाँ से भी ऐसे कर्व आते हुए, यहाँ से भी देखो ये जो हिस्सा जा रहा है ऐसे थोड़े यहाँ से भी आ गए, लेकिन ऐसे नहीं कि वास तो यहाँ जा रहा हो तुम हवा में इसकी परपेंडिकुलर निकाल दिए, तुम्हें वो जो बना रहे हो वो तुम्हारे फ्लो का हिस्सा होना चाहिए, एक्स्ट्रा बाल निकल ले फ्लो का हिस्सा होना चाहिए, जैसे इधर से आएंगे अगर बाल,
हम बात मान लो यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से ये फ्लो का हिस्सा कहलाएंगे, क्योंकि ये फ्लो में आ रहे हैं। ठीक है, ये जो आ रहे हैं ये फ्लो में आ रहे हैं। तो जो गलती फर्स्ट लेयर में करी थी वो इसमें मत करना। ठीक है, अपन ने क्या किया यहां से, अब यहां से देखो ध्यान से, अगर तो थोड़े से बाहर की तरफ बिखरते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, वो कैसे आता है, वो यहां से ऐसे नॉर्मली कर्व करना चालू करें नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे थोड़े बाहर की तरफ हल्के हल्के आने छोड़ना स्टार्ट करना, बाहर की तरफ से छोड़ना, तो यहाँ से थोड़े बिखरे हुए से दिखते हैं। फिर यह आया अपना पोर्शन, अब यहाँ पे अपन को नीचे से ऊपर जाओ, क्योंकि उंगलियों पे नीचे ही अपन को, फिर ऊपर से नीचे कर्व में आने, मैंने क्या बोला कर्व पे, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल मत लाना। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अपन ने लास्ट टाइम कैसे किया था, ये वाला पोर्शन तो अपन ने ऐसे किया था कि अपन ने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, कर्व कर दिया। अब अपन इसे साइड से अपन इस तरीके से कर्व करेंगे, तो पहले नीचे से ऊपर की तरफ वाले कर्व ले आओ, ठीक है, अब नीचे की तरफ जाएंगे ये कर्व, तुम्हारा एक एक स्ट्रोक जो है बहुत शार्प और क्रिस्प होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम शेड भर रहे हो। ठीक है, एक एक स्ट्रोक दिखना चाहिए कि बहुत अच्छा लगा है ये। ये हुआ, इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा रखो, तो यहां से ऐसे कर्व लाना स्टार्ट कर दो धीरे से। देखो अपन को जिस हाथ जिस एंगल पे अपना हाथ कंफर्टेबल हो अपन स्केच उस पे रख दो, अपन को ऐसे जरूरी नहीं कि तो स्ट्रेट रख के बनाना पड़े, अपन इस तरीके से इसे कर्व कर दो, थोड़े एंगल पे घुमा दो। ठीक है, तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से अपनी 4B वाली लेयर आ जाती है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी आता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी इसे शेड करो, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है इस तरीके से, ये वाले पोर्शन में हाथ के नीचे कुछ पेपर वगैरह रख लो, ठीक है, हाथ के नीचे कुछ पेपर या नोट कुछ भी रख लो, और यहाँ पे अब गंदे तरीके से जो स्ट्रोक अगर पहली लेयर में आ गए दोबारा मत कर रिपीट करना, क्योंकि 4B और डार्क लगती है, फर्स्ट भी HP का तो क्या है थोड़ा ब्रश चलाओ तो वो ब्लेंड हो जाएगी, लेकिन 4B और 10B फिर वो गंदी ही लगती है। यहाँ से जो आ रहे हैं यहीं तक आने तो मेनली, लेकिन तो आगे शर्ट पे आ रहे हो ऐसे बहुत ज्यादा डार्क और एक घने नहीं होने चाहिए, घने वाले पार्ट यहीं तक रहने चाहिए शर्ट के बाहर तक, कॉलर के बाहर तक। ठीक है, जो आ रहे हैं यहाँ पे बहुत लाइटली और कम रहेंगे, ये कर्व वाला पोर्शन है, ठीक है ये कर्व वाला पोर्शन है, ठीक है, नेक की जो आउटलाइन थोड़ी सी ब्लेंड हो जाती है, तो हल्का हल्का यहाँ पे शेड कर दो इस तरीके से, ठीक है, और ये अपना फोर्बी वाला सब शेड हो जाता है। इसे भी सेम चीज करनी है अपन को, ब्रश लिया और आराम आराम से ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया, ये असल में पूरा हिस्सा जो है यहाँ से लेके ये पूरा कर देना, क्योंकि ये बैकग्राउंड का हिस्सा है, बैकग्राउंड इन द सेंस कि अपनी जो आगे शर्ट और शोल्डर आ रहे हैं उतने दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, लेकिन है यहाँ वाला हिस्सा अच्छे से ब्लेंड होगा। अपन HB के बाद या तो 6B यूज कर सकते हैं, 4B अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 4B करो। ठीक है, यहाँ पे रहा डार्क, यहाँ रहा ये ऊपर वाला हिस्सा डार्क रहेगा थोड़ा थोड़ा, ये जो रहा था ना अपना ये यहाँ पे डिफरेंस में यहाँ रहेगा, फिर हल्का हल्का यहाँ चलाया, फिर अपन ये पूरे पूरे देखो स्मूथ हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम रफ से छोड़ दो उसके ऊपर 10B वाली लेयर चढ़ाओ, नहीं, तुम्हारे बाल अच्छे से स्मूथ हो जाने चाहिए, और बाल हमेशा ब्रश से करना, कॉटन वगैरह से नहीं करना, क्योंकि कॉटन से गारंटी है कि स्मजेस आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये आपकी 4B वाली लेयर हो जाती है आपकी गियर्स पे, ठीक है, तो इतना कर लो। तो अब 10B पेंसिल लो, ठीक है, 10B पेंसिल पूरे टाइम शार्प रहनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन आता है, मैंने क्या बोला था, पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये है जैसे ईयर की कवरिंग होते हुए यहाँ ही नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है और ये हल्का हल्का, ठीक है। फिर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे बाल, और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ, तो हाथ के नीचे एक पेपर रखना ना गड़बड़ा जाएगा, तो स्केच फैलने लगा तो गड़बड़ेगा। आप गलती क्या कर रहे हो, यहाँ पे ज्यादा नीचे नीचे बहुत लिया, तो पहली बार यहाँ पे स्ट्रोक्स जो है एनबी से गलती नहीं करना, जो तुम्हारे मेनली स्ट्रोक्स है वो यहीं पे लाके जैसे छोड़ दो नीचे, ठीक है, कुछ आगे जा रहा है कुछ पीछे जा रहा है, लेकिन मेनली जो हिस्सा है तुम्हारा यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एकाध दो चलते हैं, ये रह गया एक 10B, ये आ गया यहाँ से थोड़े ये एक आध ऐसे फैलते हुए, ये यहाँ से एक आध दो बाल, यहाँ से एक आध 10B से ऐसे ये चलता है, यहाँ से आते हैं डार्क, ठीक है, यहाँ से ऐसे डार्क से आ रहे थोड़े, लेकिन आगे आते आते वो लाइट हो जाता है, 10B को आगे लाते आते लाइट कर लेना, और ये स्ट्रोक्स जो एक आध ला रहे हो इसमें से बस, ठीक है। फिर ये वाला पोर्शन आता है, यहाँ से अपन क्या कर रहे थे, नीचे ले जा रहे थे, 10B को ऐसे घुमाते रहना, घुमाते रहोगे तो क्या होता है, जो पॉइंटेड पार्ट है ना वो हाथ में आता रहता है, तो ये आया इस तरीके से, थोड़े थोड़े बाहर की तरफ बिखरे हुए भी होने चाहिए इस तरीके से, देखो ये आ रहे ना बाहर की तरफ बिखरे हुए, ये आया। फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाने चाहिए, कर देखना 10B को कोई लाइटली यूज मत करना, वरना 10B का पूरा पर्पस ही खत्म हो जाएगा, थोड़े से प्रेशर के साथ यूज करो, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत लाइटली प्रेशर लगा रहे हो स्ट्रोक्स लगाने के लिए, अच्छे से करो कि ये लास्ट लेयर है, ठीक है, इस ये अपन फाइनल लेयर होती है, इसके बाद अपन नहीं करते, हो सकता तो अगर लाइट करते तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक लेयर और कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं अपन अपने स्केच को घुमा लेते हैं, ठीक है, अपन ने अपने स्केच को घुमा लिया, हाथ के नीचे एक पेपर रखो, यहाँ से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लाओ, मुझे देखो मैं बिल्कुल ऐसे बहुत लाइटली नहीं कर रहा, मैं 10B को एक अच्छे खासे प्रेशर के साथ यूज कर रहा हूँ, ताकि स्ट्रोक्स भी आ रहे हैं अच्छे तरीके से, एकदम डिफाइंड स्ट्रोक्स, ओके, और ऐसे लाइट भी नहीं लग रहा, तो पेंसिल पीछे पकड़ा हूँ मैं लेकिन प्रेशर सही आ रहा है, ऐसे आगे की तरफ ले जाओ, या नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ लाए, फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है, एक आध बाल ऐसे बाहर निकल जाए, परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नहीं निकलने चाहिए, धीरे धीरे, सर। तो अब अपन क्या करते हैं, ये वाले पोर्शन पे आते हैं, तो यहाँ से हल्का सा इधर की तरफ कर्व ले गए अपन, ठीक है, से अब वापस यहाँ की तरफ राइट लेफ्ट ऐसे कर रखते हैं अपन, ओके, ये हुआ। अब मान लो वापस अब आ जाते नीचे वाले की, तो नीचे याद रखना शर्ट के ऊपर डार्क रहना चाहिए, और ये जो हल्के हल्के आ रहे हैं तो ये पहले पीछे वाले पार्ट से करेंगे, नेक के पास से, नेक की एक हल्की सी आउटलाइन बना लो ताकि सही रहे, ये स्ट्रोक्स आ रहे हैं, ये ढंग से कर्व रहने चाहिए, ये हल्के से आ रहे हैं, ठीक है। अब जो अंदर शर्ट की तरफ आ रहे हैं ऐसे नहीं बहुत ज्यादा आ जाए, एक आध एक आध यहां से ऐसे ये आ गए, तो ये अपना जो शेडिंग वाला पोर्शन है जो अपन ने वो लगाया स्ट्रोक्स को हो जाता है। अब अपन को बहुत केयरफुली 10B ब्लेंड करना है, नीचे वाले पोर्शन में करते हैं, नीचे वाले पोर्शन में जैसे मैंने बोला ही पूरे हिस्से में ही कर दो,
आराम आराम से होना चाहिए, शर्ट पे नहीं जाना चाहिए ना ही नेक पे, ओके। ये करो और पीछे हल्का हल्का जो ग्रेफाइट इस पे आ रहा है उससे बैकग्राउंड में भी करो। मैकेनिकल पेंसिल ली अपन ने, यहाँ पे उतने स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे तो मैकेनिकल पेंसिल से अंदर हल्के हल्के से स्ट्रोक्स बना सकते हो। जैसे तुमने अगर मान लो यहाँ पे कम स्ट्रोक्स लगाए हैं तो मैकेनिकल पेंसिल से बढ़ाओ स्ट्रोक्स, ना ही 4B ना ही 10B से। स्ट्रोक्स अगर बढ़ाने हैं तो मैकेनिकल से बढ़ाओ, तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे बहुत ज्यादा भी नहीं कि पूरे भर दिए ये हिस्सा बस। अब ये वाले हिस्से पे आते, तो पहले ये तो 10B देखना बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है, एकदम मक्खन होती है ब्लेंड, लेकिन ऐसा नहीं कि उल्टे सीधी जगह कर दिए। गलती से अगर ब्रश तुम्हारा यहाँ आ गया ये नाखून या फिर उंगलियों पे तो फिर वो गड़बड़ है। धीरे धीरे करना, ब्रश को कंट्रोल में चलाना, ये वाला हिस्सा नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे ब्रश चला रहे हो तो हल्का सा एक दो बार लिया है, मेनली जो ग्रुप वाला एरिया है जैसे यहाँ होनी चाहिए मेनली, यहाँ आराम से ब्रश ऐसे चलाओ, यहाँ पे कर्व में रहेगा या ईएस के पास, ध्यान से करा अपन ने। देखो ऐसा नहीं कि ये डार्क हो गया ये लाइट हो गया, हो सकता है कैमरे में शाइन आ रही है, इस समय देख सकते हो इस समय कि ये कितना सही आ रहा है, एकदम डार्क आ गया। आराम से करना ब्लेंड, जल्दबाजी नहीं है अपन को, ओके। अब अपना बस एक हिस्सा बचता है, ये जो डार्क दिख रहा ना अपन को जितना, तो वही चीज है। अपनी फिंगर्स की ऐसे हल्की सी ये शेड कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्ट्रोक्स तो दिख नहीं रहे, तो मुझे पता है ये हिस्सा डार्क है, तो मैं इस हिस्से को ऐसे 10B से शेड कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी डार्क है, तो ये भी हिस्सा जो है ऐसे थोड़े फिंगर की आउटलाइन भी जा रही, ये भी 10B से किया और आगे आते आते लाइट, ये तो डार्क है, तो इसे भी पूरा 10B से आराम आराम से स्ट्रोक्स लगा लो या शेड कर। लेकिन फिंगर्स को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिंगर्स तुमने डार्क कर दी। ये अब इतना सा एरिया है, ये ब्लेंडिंग स्टंप से होगा, तो ब्लेंडिंग स्टंप धीरे धीरे सर्कुलर चलाते चलाते लेफ्ट लाओ ताकि ब्लेंड हो, तो सर्कुलर चलाते चलाते राइट ले लो, ठीक है। सेम चीज यहाँ, लेफ्ट थोड़ा राइट, इसे ऐसे वर्टिकली कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये अपना स्केच में हेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपन को करना होता है तो यहाँ पे इयररिंग्स जो है वो बनाने, तो अपने पास दो तरीके हैं, तो वाइट जेल पेन से करो या फिर मोनो जीरो इरेजर ली मैंने यहाँ से, वो हिस्सा जो है ये वाला, ऐसे जाके यहाँ ही सर्कुलर आ रही है, ये हिस्सा मैंने थोड़ा आराम से इरेज किया, ठीक है। फिर यहाँ से आया कर्व करते हुए, देखना कर्व करते हुए ये यहाँ ज्वाइन, ठीक है, ये हुआ। अब देखो अगर अपने पास वाइट जेल पेन होता तो अपन क्या करते, अपन सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे वाइट जेल पेन की मदद से पूरा उसको, ठीक है, ये करते। लेकिन अपने पास व्हाइट जेल पेन नहीं है अगर, तो अपन क्या करें, तो ये अपन ने इरेज कर लिया, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है इरेज कर लो, ओके। अब क्या करना है, हाथ के नीचे कोई नोटबुक या रख लेना, इसकी कवरिंग दो, ठीक है, मैकेनिकल पेंसिल से जो अपन ने इरेज किया है उसकी एक आउटलाइन दो। बहुत डार्क आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे, हल्की सी चाहिए, ये जो आगे की तरफ सर्किल है, ठीक है, ये आया। फिर इधर पे किया ये अपन ने, इधर ज्वाइन हो गया और ये हल्का सा यहाँ ज्वाइन हो गया, ठीक है। हल्का हल्का करो, थोड़ा इसके अंदर अंदर शेड आएगा, अपन की पतली सी शाइन चाहिए, ऐसे बहुत मोटा सा नहीं चाहिए, एक पतली सी शाइन चाहिए, तो हल्का हल्का अंदर की तरफ शेड होगा, हल्का सा एक पतला सा अपन को एक एरिया छोड़ना है, जो टिप में है टिप में एक गोल सा हिस्सा छोड़ना है अपन को, थोड़ा हल्का हल्का अंदर की तरफ शेड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इयररिंग्स बनाते हैं, ठीक है। अपने स्केच में बस दो ही चीजें बस, ठीक है, एक तुमने स्केच कंप्लीट कर लिया, अब उस पे साइन मार, आज डेट क्या है 22, ठीक है। तो ये अपना स्केच जो है ये कंप्लीट हो जाता है, देख सकते हो अपन ने बढ़िया बनाया। अब एक चीज है तुम लोग जिसमें अटकोगे, ये जो है अपन ने टेप लगाया था, ठीक है, इसे निकालो कैसे वो भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुमने गलत तरीके से निकाला तो हमारा स्केच फट सकता है। कभी भी टेप अपन जो निकालते हैं वो स्केच की तरफ नहीं, इससे मेरा क्या मतलब,
जैसे मान लो यहाँ से मैं टेप निकाल रहा हूँ, तो मैं कभी भी ऐसे टेप स्केच की तरफ उंगली नहीं आएगी, मेरी हमेशा स्केच से दूर जाएगी, और एक साइड पकड़े रखो, ठीक है, जैसे ये है वर्टिकली निकालना है पहले, ये मैं स्केच से दूर रख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा मेरा, इसे पकड़ के रखो ऐसे, और धीरे से स्केच से दूर निकालो, ठीक है, स्ट्रेच करते हुए थोड़ा निकालोगे तो टेप नहीं फटेगा, मतलब आप पेपर नहीं फटेगा, धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेच करते हुए निकाला अपन ने, ओके, सेम तरीके से अपन ये वाला निकालेंगे, इसे घुमा लो और इसे धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए निकालो, यहाँ पे ऐसे उंगली रखो, धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेच करते हुए निकालो, आराम से निकालना, देख जो अपन को कितनी अच्छी एकदम सेटिस्फाइंग फीलिंग आ रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, ये आराम से यहाँ पे उंगली रख देना, उंगली में ऐसा ना हो पेपाइट ना हो, ठीक है, साफ उंगली रखना है ऐसे, धीरे से ये अपन ने निकाला, ओके, बस ये वाला पोर्शन दस्त है, इसका भी टेप निकालेंगे, तो ये अपना स्केच कंप्लीट हो गया, देख सकते हो बढ़िया एकदम बॉर्डर भी देख सकते हो स्ट्रेट आई है, इसलिए अपन टेप लगाते हैं, तो आज के लिए इतना काफी है, अपन नया स्केच चालू करेंगे।